जब आप अपने प्यारों को खो देते हैं तो जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा खाली ही रहता है, उनकी बाईं तरफ से खून बहता रहता है, या फिर मेरी तरह बेवक्त बड़े होते हैं, या आखिर जी की तरह जल्दी मर जाते हैं। कोई तो मेरी मदद करो, उठो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो, देखो बेटा मेरी तरफ, देखो आंखें खोलो, कोई तो मेरी मदद करो। देखो सारा अपने भाई को देखो, ये आंखें नहीं खोल रहा, इसे देखो क्या हो गया है, कोई मेरी मदद करे। उठो बेटा उठो, उठो आंखें खोलो मेरी चांद। सुबह सुबह क्या मसला है? कौन है? हाउसकीपिंग। वॉशरूम से शुरू कर लो, मैं भी बस निकलता हूं। कैसे हो भाई? सच में यार रात में मजा आया। तुम कहाँ हो अभी? कॉलेज में हूँ मेरे भाई, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है तुम अभी तक होटल के कमरे से ही नहीं निकले। हाँ अभी उठा हूँ यार। तुम कितने ढीले आदमी हो यार। हाँ अब रहने भी दो यार, टीचर्स की तरह मुझे सबक मत सिखाओ। अरे मेरी बात सुनो बुराक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो यार? तुम मेरी अटेंडेंस मार्क कर दो। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ। जा रहा हूं, लेकिन मुझसे वादा करो।
नहीं कर सकता, मतलब अगर कर सका तो मैं जरूर करूंगा। वाह मेरे शेर, ये हुई ना बात। अच्छा अच्छा चलो अब रहने दो, ज्यादा बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। ठीक है मैं जा रहा हूं, अब आप अंदर आ सकती हैं। कर सकती हूँ आपकी? रूम नंबर 1140 में हमारा एक बैग रह गया है। जी। उसे लेने आया हूँ। एक सेकंड। मिस्टर डिमिट्री आप हैं क्या? नहीं वो मेरे बॉस हैं। जब उन्हें याद आया कि उनका बैग यहीं पर रह गया है तो उन्होंने मुझे लेने के लिए भेजा है। चाबी मेरे पास है। चेकआउट करने के बाद कमरे के कार्ड्स चलना बंद हो जाते हैं और हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मुझे बैग मिल गया है, आप फिक्र ना करें, वो महफूज है। बहुत खूब, दे दीजिए मुझे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मतलब मैं आपको नहीं दे सकती, ये रूल से खिलाफ है। फजूल बातें मत कीजिए, मेरा बैग मुझे दीजिए जल्दी। देखिए मैंने कहा ना मैं आपको नहीं दे सकती, अपने बॉस से कहिए कि यहाँ के खुद ले ले मुझसे। अजीब बातें कर रही हैं आप, क्या मैं अपने बॉस को यहाँ पर बुलाऊं? देखिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, अब आप प्लीज यहाँ से जाएं। मुझे सिक्योरिटी को बुलाने पर मजबूर मत करें, ये बैग मैं पहुँचा दूंगी। नहीं ये अहम है। सर ये क्या कर रहे हैं आप, मैंने आपसे कहा कि ये रूल के खिलाफ है, अब आप प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। रुको, तुम जानती हो मेरे बॉस कौन है? कोई भी हो तुम्हारा बॉस, मैंने कहा ना कि बैग पहुंच जाएगा, अब हट जाओ मेरे रास्ते। बहुत हो गया, मैं आपसे कह रहा हूँ ये बैग मैं पहुंचा दूंगा। कमरे से निकल जाएं आप वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी, और छोड़ें ये बैग। क्या हो रहा है वहाँ, हट जाओ वहाँ से। My name is Devatri. Evan Kirwaiye के लिए माफी चाहता है। असल में इसको मैं नहीं कहता। बैग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज है। इन मौसूफ को बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने बस ये कहा कि मैं बैग आपको नहीं दे सकती। आईडी कार्ड दिखाइए प्लीज। ये लीजिए। अब रास्ता देंगे आप? मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है वैसे भी। ओके यू कैन गो। सारा एवं तुम्हें छोड़ देगा। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, आपका शुक्रिया। सारा ये हमारी तरफ से माफी है, मैं होटल के मैनेजर से बात कर लूंगा। देखो तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। ठीक है आपका शुक्रिया। उफ, 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 उफ। कहीं आदमी बाद में मेरा सर दर्द ना बन जाए। उफ सारा उफ, तुम क्यों मान गई? ये क्या है? आइए मिस सारा, हम कॉलेज इसमें जाएंगे क्या? आप नहीं आई तो मेरी नौकरी जाएगी। हाँ
अटेंडेंस ठीक है, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दें। मैंने कहा आप मुझे यहीं उतार सकते हैं। अजीब सी नजरों से मुझे देख रहे हैं। हाँ ये क्या है? देख लेना, अंदर से सलीम ही निकलेगा। सलीम नहीं निकलेगा मेरी जान। ओफ। आइए मैडम। बहुत शुक्रिया। You're welcome. सारा? ये लड़की कौन है? तुम लोग जानते हो कैसे? हाँ मैं तो जानती हूँ इसे। जूनियर है, शायद अभी ज्वाइन किया है इसने। कहाँ से आई? अभी मुझसे कुछ मत पूछो, बहुत देर हो चुकी है। क्लास के बाद कैंटीन में मिलना, वहाँ बात करेंगे। चलो ठीक है। लगता है तुम्हारा नया कॉम्पिटिटर आ गया है। मेरा मुकाबला वो भी इस लड़की से? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चलो लड़कियों कैफे चलते हैं, मुझे अपना काम भी मुकम्मल करना है। कौन सा काम? तुमने फिर से पैसे देकर काम करवाया है ना? हाँ मैंने फिर से पैसे देकर काम करवाया है। ऐसा ही क्या? हाँ सच में, बल्कि अभी लेने ही जा रही हूँ। बहुत अच्छा किया। एक तो अपनी नींदें छोड़कर इतने मुश्किल असाइनमेंट करने पड़ते हैं यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, चलो चलें। लिमोजीन में आई है, कैंटीन में लाइन में लगी है। बेवकूफ। क्या तुमने कुछ कहा? मुझे आवाज़ नहीं आई। मैं तो कहती हूँ जल्दी काम खत्म करके निकलते हैं, माहौल बहुत खराब लग रहा है। हमेशा उस लड़की से लेती हूँ, आप क्यों नहीं ले रही? मेरी जान, थोड़ा स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है ना। मतलब अगर लोगों को एहसास हो जाए कि आप उनकी कदर करते हैं तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाते हैं। समझ गई? समझ गई। कहाँ हो तुम? हाँ वहाँ बैठिए, मैं जा रही हूँ। अरे ये वही लड़की है ना जो लिमोजीन में आई थी? हाँ हाँ। कहाँ है? कैंटीन की तरफ देखो। ये वो है क्या? तुम अगर मुझे नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता।
अच्छा खैर, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट ले सकती हूँ क्या? क्या हाल है? मैं ठीक, तुम? हाँ मैं भी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। क्या हुआ, मिला या नहीं? हो गया यार, 5 मिनट रुको लड़कियों, मुझे उससे मिलकर आना है। अब तुम इसे भी टिकट्स भेजना चाहती हो? हाँ, अगर उसने सही तरीके से बात की तो मैं उसे 5-6 टिकट भी भेज दूंगी। वैसे भी अमीर ही लग रही है। चलो ठीक है, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है ज़ैनब यार, इंतजार कर रहे हैं हम तुम्हारा। जाओ जाकर होकर आओ उसके पास। हाँ ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। प्लीज देर मत करना। क्या करेगी ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं अदा हूँ। अगर मैं सुबह इस लड़की को ना देखूँ ना, तो मेरा तो दिन ही अच्छा नहीं गुजरता। अपनी हद में रहो तुम। मैं झूठ नहीं कह रही। बिल्कुल झूठ है ये, अजीब सी कशिश है इसमें। मैं इसे जब भी देखती हूँ बिल्कुल पागल सी हो जाती हूँ। दूर से ही देखने में मैं पागल हो गई। हर कोई हमें महबूब समझता है, हम 2 बार खाने पर भी गए हैं। ओहो, मिस्टर सलीम आखिरकार तशरीफ ले ही आए। अरे यार, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। कैसी थी कल की पार्टी? हाँ मैंने कहा था ना तुम्हें मज़ा आ जाएगा। बुराक साहब, हाँ कहाँ से आती है ये एनर्जी? यार मेरे भाई, अगर पता चल जाए कि एनर्जी आती कहाँ से है तो पूरी दुनिया ही माशाल्लाह। क्या चीज़ है, कट पीस है। बात सुनो। हाँ दस्तखत वाला काम तो कर दिया होगा ना? दस्तखत वाला काम भी तो था ना। अरे मेरे भाई, उस्ताद ने दस्तखत मांगे ही नहीं। फिक्र नहीं कर, टेंशन मत ले यार। कौन सी क्लास है आज? मुझे क्या पता, कॉलेज आए ही क्यों। हाँ बात सुनो तुम, 5 मिनट का कहकर गई थी, हम वहाँ खड़े खड़े सूख गए, लेकिन तुम वापस नहीं आई। यार बिरिजिक, हम क्लास की बातें करने लग गए थे। अरे सारा, ये दोनों मेरी दोस्त हैं, ज़ैनब और बिरिजिक। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कौन सी क्लास में हो तुम सारा? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर। मैं भी थर्ड ईयर में हूँ। क्या वाकई? असल में मैं फैशन पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा ने आर्किटेक्चर पर जोर दिया। बस वो चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद उनका बिजनेस संभालूं। वैसे तुम्हारे पापा का भी यही प्रोफेशन है क्या? अच्छा जरा ये बताओ कि तुम लोगों की कास्ट क्या है? यल्दरम। जानी पहचानी सी कास्ट लगती है, सुनी सुनी सी है। वैसे कौन से सेक्टर के हैं आप लोग? खैर छोड़ो, ये बताओ कितनी दफ़ा फेल होकर एंट्री मिली? नहीं शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने तो पहली अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था। कितना अच्छा हुआ ना हमारा तारुफ हो गया। तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट है? नहीं मेरा कोई अकाउंट नहीं है। हाँ कमाल है। मेरी तो नानी का भी सोशल मीडिया पर अकाउंट है। क्या अजीब लड़की हो तुम सारा। है तो, लेकिन मैंने प्राइवेट किया हुआ है। वो मैं कुछ खाने के लिए लेके आई हूँ, आप लोग शेयर करना पसंद करेंगे? नहीं, मतलब तुम खाना बाहर से लाती हो? होटल से लेके आती हो। अच्छा करती हो। हैव अ नाइस मील। चलो हम चलते हैं। चलो गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़। लेट्स गो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, हमने एक डिनर रखा है, हम उसके टिकट बेच रहे हैं, क्या तुम लेना पसंद करोगी? अगर लेना चाहो तो 4-5 टिकट ले लो। नहीं, मैं अपनी सारी पॉकेट मनी स्ट्रीट एनिमल्स पे लगा देती हूँ। ठीक है हम चलते हैं। तुम परेशान मत हो, जो टिकट्स बचेंगे वो सब मैं खरीद लूँगी। इसमें बड़ी बात क्या है, बस 5 ही तो टिकट्स हैं, है ना? हैव अ नाइस मील। अल्लाह हाफिज़ सारा। बाय बाय। अरे लड़कियों, ये क्या था? सोशल मीडिया पर अकाउंट ही नहीं है इसका। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा था? हाँ
लेमोजीन पर स्कूल आई थी, इसलिए तुमने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहुत कंजूस लड़की है। हाँ, मुझे यकीन है इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। लिखवा लो तुम मुझसे। बात मत बढ़ाओ अदा। तुम्हें क्या लगा था, हाँ तुमने सोचा कि लेमोजीन में आई है तो भिखारियों की तरह जाकर उसके आगे टिकट बेचना शुरू कर दिए। चलो चलो अब यहाँ से। मेरे भाई, कॉलेज में आज एक लड़की आई थी जो दुबई और बहरीन से सीधा हमारे कॉलेज में आकर गिरी। ब्लैक लेमोजीन में आई थी और तो और ड्राइवर भी साथ था। बहुत ही अजीब सी थी। मैडम को यहाँ का खाना पसंद नहीं आता, इसलिए बाहर से लाती हैं। सच बताओ? और ऊपर से इतनी ज्यादा कंजूस के बता नहीं सकते। तुम्हें इतनी सारी बातें एकदम से कैसे पता चल जाती हैं? मुझे किसी चीज का पता ना हो ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। खबरी लड़की हो तुम हमारी। हाँ बिल्कुल, चलो चले। बैक सीट पे चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। ये तो चिपक ही जाती है बिल्कुल क्लू की तरह। बहुत जोर से लगी है यार। सलीम, प्रोजेक्ट असाइनमेंट कर लिया तुमने? कौन सा असाइनमेंट है? नहीं करो यार, सैटरडे को सबमिट करना है। ये मत कहना कि शुरू ही नहीं किया। मैंने नहीं किया। अच्छा चलो, हफ्ते के आखिर में मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ, फिर साथ मिलकर कर लेंगे, क्या कहते हो? देखते हैं, बैठिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग टीचर। एक अल्फाज भी समझ नहीं आ रहा मुझे, जरा सा भी नहीं दिख रहा। अच्छा, अब तुम मुझे कहोगे तुम समझदार भी हो, प्यारे भी हो, स्मार्ट भी हो और तुम इसी तरह बात को बढ़ाते जाओगे, वो क्या है? ये क्या है यार? मेरे भाई, कह रही है इंतजार कर रही हूँ। हाँ क्या चक्कर है? हाँ बड़ी उतावली लगती मुझे है। मुझे क्या पता यार। एक बात बताऊँ तुमको, ये दोस्ती वाले पैगाम नहीं है, कुछ और ही चक्कर है। शीशा बर्बाद कर दिया मेरा। शीशा बर्बाद कर दिया कह रहे हो? अरे मेरे दोस्त, ऐसे शीशे तो मैं रोजाना बर्बाद करना चाहूंगा। क्या यार बुराक, पार्टीज में तुम मुझे अजीब अजीब लड़कियों से मिलवा रहे हो और वो लोग मेरी गाड़ी के साथ ये सब कर रही हैं। साफ करने दो मुझे। ओहो, मतलब सारा कसूर मेरा ही है अब। अच्छा ठीक है, सारे इल्जाम दे दो मुझे अब। वैसे मेरी तरफ चल रहे हैं ना? मैं नहीं आ सकता, कल मेरे बाबा आ रहे हैं। अरे यार, इस लड़के के बहाने तो सुनो जरा। यार सलीम, तुम कल घर चले जाना, तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम मेरी तरफ आओगे, गेम खेलना था यार। यार दो आदमी कहाँ गेम खेलते हैं? मेरे भाई, किसने कहा सिर्फ दो लोग हैं? अच्छा ठीक है, चलो। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ सलीम। ओ सलीम, कैसे हो? खुश आमदीद, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया। यार कहाँ हो, आजकल नजर ही नहीं आते। तुम्हें पता है कि कंस्ट्रक्शन खत्म होते ही हम लोग घर चले जाएंगे। अरे अभी तो आए हैं आप लोग, अभी से जाने की बात कर रहे हैं। अरे तुम भी अब बात को मत बढ़ाओ। फिर भी बताओ तो क्या खबरें हैं? नहीं कुछ खास नहीं। और कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? मेरा मतलब है क्लासेस वगैरह। अरे बाजी, कॉलेज में ही तो होते हैं, उसके बाद सोने के लिए बस घर आते हैं और कोई काम नहीं। तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि कॉलेज में तुम कैसे नजर आते हो, घर तो तुम शाम को भी नहीं आते। क्या बातें कर रही हो, अभी वो जवान है। तुम बीच में मत बोलो, देखो अमेरिका के कॉलेज में भी तुम बहुत साल जाया कर चुके हो, इसलिए बाबा के सब्र को मत आजमाओ, खुद को सुधारो सलीम। ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, खुद को सुधारूंगा मैं, आप लोगों की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा।
अब आपकी इजाजत से अल्लाह हाफिज। यार इसे कहते हैं जवानी। हम भी जवान हैं यार, बाबा के गुस्से को तो तुम जानते ही हो। परेशान मत हो, मैं कॉलेज में नजर रखता हूँ इस पर। हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कल है ना? हाँ, तीसरी कोशिश है ओनर, इस बार इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुर्की के इंतहाई एक्सपर्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत तुम्हारी इस पुरजोशी पे कुर्बान जाऊँ। इधर आओ जरा मेरे पास। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कॉलेज कैसा जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहा है। 2 किलो टमाटर, 5-6 बैंगन मेरे लिए अलग कर सकते हैं क्या? तुम खुद निकाल लो ना बेटी। आप मेरे लिए अच्छे निकालते हैं। ठीक है सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टमाटर ले रही हो क्या? टमाटर ले रही हूँ। कुछ और चाहिए क्या बेटी? नहीं भाईजान, शुक्रिया। लाओ मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। ये लो बेटी ये लो। अरे नहीं नहीं, 2 बैग ही तो हैं, मैं ले जाऊंगी। कितने पैसे हुए इसके? जितना तुम्हारा दिल चाहे। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सारा। बेटा तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा? जब भी तुम इसे देखते हो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है, बच्ची परेशान हो जाती है। मत किया करो। मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। अगर इतना ही दिल आ गया था तो पढ़ना था ना, फिर आर्किटेक्ट बनेगी वो बच्ची। क्या तुम्हें लगता है कि वो एक सब्जी वाले से शादी करेगी? बाबा नुसरत को भी तो देखिए, वो एक कसाई है। मैं भी कुछ इसी तरह का काम करना चाहता हूँ। क्या क्या करोगे तुम? क्या सब्जियों पर ऐसे पानी फेंकोगे? ऐसे पानी फेंकोगे क्या? चलो अंदर जाओ, चलो, तुम्हारे पास की बात नहीं है। बाबा अम्मी जान चले, उठ जाए उठ जाए। सारा तुम हो क्या? जाहिर है मैं ही हूँ। टाइम क्या हुआ है? बहुत देर हो गई है। टाइम बताओ। ध्यान से गिर जाएंगी आप। मेडिसिन से चक्कर आते हैं, आपको पता है। ऐसे मीठे चक्करों से मुझे बहुत मजा आता है बेटी। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। बाजी वगैरह कब वापस आएंगे? तुम्हें किचन के कामों में क्या मजा आता है? मुझे तो नहीं आता। तुम आखिर किस पे चली गई? छोड़ो मैं कर लूंगी। मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अच्छा चले ऐसे मत देखें, यखनी बनी है गरम गरम पीते हैं। नहीं मेरा दिल नहीं जा रहा, भूख नहीं लगी। तुम्हारे भाई के साथ पीऊंगी। ठीक है नहीं कहती भाई, रात को ख्वाब में बेटी को देख लिया, इसकी वजह से है ये। अरे भाई मेरी जबान से निकल गया, ऐसी नजरों से तो ना देखो मुझे। आपको बहुत पसंद आएगी यखनी, मैं अभी गर्म करके लाती हूँ। मैं सोने जा रही हूँ।
गुड मॉर्निंग। चलो आओ, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। गुड बॉय, जल्दी से आओ। गुड मॉर्निंग, गुड बॉय। ये लो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रिफत, क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है सर, आपका इंतजार था। घर पे कोई है क्या? मेलू साहब सो रही हैं, ओनर साहब काम पे हैं, सलीम साहब। मैं जानता हूँ उसे, हम नहीं थे तो वो घर ही नहीं आया होगा। जी सर, सच बताऊँ तो आते जरूर हैं पर रुकते नहीं। मेरी जान पता तो है, वो बच्चा है, मत रुको उसे। चलो हम अंदर चलते हैं। लड़की, ये तुम क्या कह रही हो? तुम कह रही हो कि तुमने रूसी अरबपति के बंदे को उन्हीं के सामने ही जलील कर दिया? ओहो, जो तरीका था वही किया मैंने। आह, जो तरीका था, तुम्हारे इस तरीके पे कुर्बान जाऊं? पिना, क्या मैं क्या गलत कह रही हूँ? बंदे ने इतनी बड़ी लेमोजीन में तुम्हें कॉलेज छोड़ा था। खैर, मुझे एक बात बताओ, जब तुम लेमोजीन में कॉलेज गई थी तो लोग तुम्हें कैसे देख रहे थे? वो तो पूछो ही मत। स्कूल वालों ने यही समझा होगा कि कोई ना कोई बात है, वरना इस इलाके में कौन अपनी बेटी को लेमोजीन में भेजता है? वो जरूर सोच रहे होंगे कि बहुत अमीर खानदान की लड़की है। खैर, मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम अमीरी वाला खेल खेलती रहो और उस दौलत से फायदा उठाती रहो। हाँ, कोई दोस्त किसी को ऐसा मशवरा नहीं दे सकती। अरे पिनार, एक दिन लेमोजीन में बैठने से मेरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी। लेमोजीन बदल देती है मेरी जान। तो हेलो एवरीवन, सलाम जी। देखें, इस वक्त हम फेसबुक पे लाइव मौजूद हैं जी। अब हम लाइव आ चुके हैं और अभी मुझे 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, 3, उसके बाद 6 हो गए। ये देखें, लोग बढ़ते जा रहे हैं, 3, 6, 8, 9, 10। तो मैं आपको बताता हूँ, फेसबुक पे लाइव आने का मकसद ये था कि कल रात हमने एक पार्टी की थी और उस पार्टी में हमने बड़ा इंजॉय किया था, मस्ती की थी, हल्ला गुल्ला किया था। मस्ती से सिर्फ मुझे एक ही नाम याद आता है, ऑब्वियसली वो मैं हूँ। और उसके अलावा हमने और भी इंजॉय किया था, मेरा दोस्त भी साथ था। जी हाँ, उस मस्ती से भी हमें दूसरा नाम याद आता है, सलीम। सलीम भाई देखें जी, ये इस वक्त सो रहे हैं और ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये अब उठ गए। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम यार? क्या करूं यार, तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम उठ ही नहीं रहे, कॉफी भी ठंडी हो गई। जाओ। ठीक है, तुम सोते रहो, मैं चला। जी सर, आपने बुलाया मुझे? जी सारा, बैठिए इधर। किसी साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? वो सर, मैंने जो भी किया वो रूल्स के मुताबिक ही किया। मुझे नहीं मालूम कि ये बात आपको किस तरह बताई गई है। आपको पता है मिस्टर करीम कौन है? एक बहुत ही मशहूर ताजर है यहाँ के। तुम्हारा जिम्मेदाराना रवैया उन्हें बहुत पसंद आया है, इसलिए आके मुझे मुबारकबाद दी कि मेरे पास तुम्हारे जैसे एम्प्लॉई हैं। ये तुम्हारे लिए दिया है, एक छोटा सा शुक्रिया अदा करने के लिए। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। पिनार,
देखते कब तक फंटास्टिक होती हो। फंटास्टिक क्या अहमद भाई, ये बोले रेडी कब हो रही हो तुम। अरे बेटी जो भी है। क्या बोलूं अहमद भाई, किसी भी वक्त तैयार हो सकती हूँ मैं। चलो बेटा काम पे लगो, वक्त देखो क्या हो गया है। जा रही हो क्या तुम सारा? हाँ, तुम्हें पता है ना कि हाउसकीपिंग का काम कितना मुश्किल होता है। हाँ सारा, मैं निकल रहा हूँ अभी बेटी, रास्ते में तुम्हें मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, वैसे भी मेरे रास्ते में ही पड़ेगा। सच में क्या अहमद भाई, शुक्रिया आपका। चलो आ जाओ। सारा जल्दी बताओ बोस ने तुम्हें क्या बोला, मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। तजस्सुस वाली कोई बात नहीं है पिनार, उस लेमोजीन वाले के बारे में है, मैं तसल्ली से बाद में बताऊंगी, ठीक है ना? देखो सारा, अगर तुम इस बातों से बातें करते रहे तो मैं वक्त पर नहीं पहुँचा पाऊँगा। सारा तुम्हारा खाना तैयार है, ये लो। आपका बहुत शुक्रिया भाई। कोई बात नहीं, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। चलो चलते हैं, बोर हो गई हूँ, चलो। लड़की क्या तुम हमें बताओगी कि तुम्हें हुआ क्या है? सलीम पे गुस्सा आ रहा है, कॉल कर रही हूँ उठा नहीं रहा। एक मिनट, सलीम तुम्हारी कॉल नहीं उठा रहा क्या? सलीम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रहा। हूँ ये कब कहा मैंने? यही तो कहा है तुमने। नहीं कहा। बोलो नहीं कहा, नहीं कहा। उफ ज़ैनब, अब ये मत कहना कि तुम इस लड़के को पसंद करने लगी हो। स्टाइल तो देखो इसका, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। मुझसे ही कुछ सीख लो। मैं तुमसे क्यों सीखूं? तुम्हारे पास सिखाने के लिए है क्या? वैसे भी आज तक तुम्हारा कोई भी ढंग का रिलेशनशिप तो रहा नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझसे इस मामले में लड़कों के बारे में बात ना करो वही बेहतर है। कहाँ जा रही हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं तुमसे नहीं पूछना मुझे। क्या कर रही हो? उफ माफ कर दो मुझे, सही जंगलियों में फंस गई हूँ मैं, शक्लें तो देखो इनकी। चुप, बाजू दुख रहा है मेरा, चलो। इससे तमीज से क्यों तमीज से करूं? चलो रास्ता दो, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। पहले हम आए थे, तुम हमारे बाद आए हो यहाँ। रास्ता मत दीजिएगा अहमद भाई, मैं भी कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ, रास्ते से हटो। क्यों गाड़ी घुसाई जा रहे हो यहाँ पर? दो मिनट इंतजार नहीं कर सकते हो क्या? कॉलेज जा रहे हो या किसी से रेस लगा रहे हो? आराम से बात करो बुढ़े, अपनी आवाज नीचे रखो। ओ हेलो, एक मिनट, अपनी बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? पहले अपने ड्राइवर को बात करना सिखाओ, गाड़ी चलाना सीखो बुढ़े, इस तरह रास्ता बंद करना अच्छा नहीं है। सॉरी क्या अच्छा नहीं है? तुमने गुजरना है इसलिए सब रास्ते से हट जाए। हम भी हैं, दिख नहीं रहा क्या? वैसे भी अहमद भाई मेरे। फालतू बातें मत करो और पीछे हटो सारे। नहीं सर जी, हम क्यों पीछे जाएं? तुम पीछे जाओगे। मैं तो नहीं जा रहा। अहमद भाई आप जाएं, आपको देर हो रही है। बेटी मेरे पास बहुत टाइम है, परेशान मत। क्या हुआ, गाड़ी हटा रहे हैं क्या? नहीं, तुम्हारे हटने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो नहीं हट रहा। हम भी नहीं हट रहे। यार हटाओ अपनी गाड़ी, हमें अंदर जाना है भाई। अहमद भाई रुक जाए। या अल्लाह सब्र दे मुझे। वाह भाई वाह, मेरी ये वीडियो तो अब टॉप ट्रेंड बन जाएगी। मोहतरमा सुने, आप गाड़ी पीछे हटाएंगी ट्रैफिक जाम हो रहा है। ट्रैफिक हमने नहीं जाम किया, ट्रैफिक इन मोहतरम ने जाम किया है, इनसे बात करें। सलीम सर माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल साहब आने वाले हैं, प्लीज अपनी गाड़ी हटा लें। इसको देखो इज्जत दे रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से हट रहा हूँ, वरना हटा के दिखाती हूँ। आप बातें सुन रहे हैं इसकी अहमद भाई, बात करने की तमीज ही नहीं इसे। जाइए। मैं यहीं उतर जाती हूँ, आप अंदर आने की जहमत मत करें। तुम मेरी कौन सी पीठ पर बैठी हो मेरी बेटी,
वैसे हम लोग होटल में बहुत थक चुके हैं और दो कदम अगर कम चलना पड़े तो इसमें बुराई क्या है? बस थोड़ा ही चलना होगा। तुम परेशान हो रही थी कि तुम्हें देर ना हो जाए, लेकिन देखो मैंने तुम्हें वक्त पर पहुंचा दिया। सही कहा आपने, लेकिन अगर सीट बेल्ट खराब ना होती तो मैं भी आपके साथ ही बैठ जाती। इसका क्या मतलब है बेटी? पीछे बैठने से भला क्या होता है? देखने वाले आपको ड्राइवर समझेंगे। सुनी नहीं क्या आपने उस बदतमीज की बात? अरे मेरी बच्ची, तुम भी किस बात पर परेशान हो रही हो? मैं तो वैसे भी ड्राइवर लगता हूँ, क्या ये बात झूठ है? और अगर मैं तुम्हारा ड्राइवर बन भी जाऊँ तो मुझे क्या एतराज होगा? आपका बहुत शुक्रिया अहमद भाई, अल्लाह हाफिज़। चलो बेटी खुश रहो, अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। उस लड़के ने भी सुन लिया जो तुम कह रही थी। कौन सा लड़का? अभी जो थोड़ी देर पहले मिला था। हाँ, वो लूजर। हाँ तो क्या हुआ अगर सुन लिया तो? वैसे भी वो लड़का इतना खास नहीं है जो तुम उसके बारे में यहाँ बैठी सोच रही हो। कितनी बुरी बात है यार, जब नोट्स मांगने की बारी आएगी ना तो मेरे पीछे मत पड़ना, खुद मांग लेना। देखो हम खुद खरीद सकते हैं, मतलब मैं पैसे दूंगी और जो चाहूंगी खरीद लूंगी। पैसे होने चाहिए, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है। हाँ, और वो लड़का क्या था, कैसे पैंट चश्मे खौफ। अच्छा, अच्छा, बस लड़कियों, एक बहुत ही बड़ी खबर लाई हूँ मैं। क्या खबर मतलब? इस तस्वीर को देखो, कल लिमोसिन में आने वाली कंजूस लड़की का स्कूल के गेट पर सलीम के साथ झगड़ा हुआ है और पूरे सोशल मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो गई है। दिखाओ। ये वही कंजूस लड़की है? हाँ वही लड़की है सारा। खैर छोड़ो चलते हैं। क्या पागल हो गई हो, क्यों इतना घूर घूर कर उसे देखे जा रही हो? चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं भाई? रुको। या अल्लाह, इस लड़की का तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तौबा तौबा। आखिर तशरीफ ले ही आए। अरे ऐसा कोई दिन है जिस दिन मैं लेट हुआ हूँ? मतलब मैं रोजाना कॉलेज टाइम पे आता हूँ और तुम्हें जब भी देखो तुम मोबाइल पे ही लगे रहते हो यार। देखो जरा तुम्हारी वाली आ गई। यार बुराक, तुम्हारी वाली ना बोला करो इसे। सलीम कहाँ हो तुम यार? सुबह से कॉल कर रही हूँ, रब्ता ही नहीं हो पा रहा तुमसे। मेरी खबर सुनी कि सलीम का गेट पर झगड़ा हो गया। कैसा झगड़ा? अरे तुम लोग भी ना यार, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला बना लेते हो। पिक्चर वायरल हो गई है, दिखाना जरा। अरे तुम इस लड़की के साथ लड़े हो? ओफ, ये तो वीडियो वाला लड़का है ना? झगड़े पे ये सारी लड़कियां मौजूद थी। अरे यार बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरे ख्याल में भी ये बात ज्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए, वैसे भी लोगों को तो बातों के मजे लेने के लिए मौका चाहिए होता है यार। लेकिन देखो बॉस, तुम प्रोग्राम बनाने में कोई इतने खास नहीं हो। ये देखो भाई, इस तस्वीर को देख के तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुबालगा आरई करने वाले हम ही नहीं। अरे यार ये दो तस्वीरें इतनी जल्दी वायरल हो गई। कसम से सोशल मीडिया पर तो तस्वीरों ने तबाही मचा दी है। और तुम्हारा अपनी बाजी के साथ बाहर चले जाना और फिर उस लड़की के साथ मिलना, लगता है तुम्हारी बहन के लिए खबर कोई इतनी बड़ी नहीं। इन लोगों की तो समझ ही नहीं आती मुझे। अरे इन लोगों के पास कोई काम ही नहीं है, हर किसी की प्राइवेसी में घुसना है। वैसे सही बताऊं तो तुमने फिर से वही बातें करना शुरू कर दी यार। चलो अब सारे दोस्त खामोश हो जाओ। ब्रिजिक चलो तुम बोलना शुरू करो। अब मुझे ऐसी भी फजूल बातों का जवाब देना होगा यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बीमारी की वजह से कॉल भी नहीं उठा रहे मौसूफ। तो मेहमान तलबा को देख लो, वैसे भी मैं कल उनके साथ मीटिंग करूंगा। ठीक है ना? ठीक है। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़। हेलो एहसन साहब, खुश आमदीद।
शुक्रिया ओनर। और सुनाओ, हम नहीं थे तो क्या किया तुमने? वैसे तो आपको सब कुछ मालूम ही होता है, ये बताइए छुट्टियां कैसी गुजरी आपकी? हाँ हाँ अच्छी थी। फिक्री की सुनाओ मुझे। उन्होंने आपके कहने के मुताबिक रिपोर्ट बना ली। बहुत अच्छे, सुन के खुशी हुई। कभी मुलाकात करते हैं। और सलीम की सुनाओ। हम नहीं थे तो घर तो होता ही नहीं होगा वो। आप तो जानते हैं कि इम्तिहानात करीब हैं, इसलिए सारे बच्चे मिलकर कंबाइन स्टडी कर रहे हैं। चलो सही है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सलीम का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। आप परेशान मत हो सर, सब चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। मुझे क्यों परेशानी होगी, पढ़े लिखे हो तुम, इतना बड़ा स्कूल तुम्हारे सुपुर्द करने का सोच रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज एहसन साहब। हाँ तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वाओ, पिक्चर तेजी से वायरल हो रही है, जल्दी में हो क्या दोस्त? इधर देखो, बात नहीं सलीम। लड़कियों, सलीम को देखा क्या? नीचे है। शुक्रिया, हम भी तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करो तुम बेताबी से। सुबह का वाक्य याद है? ओह, अब सुकून महसूस कर रहा। अब यहाँ बैठ के आराम से पढ़ोगी, है ना? यही कह रही हो? सुबह का वाक्य, तुम्हारी वजह से पूरे कॉलेज की जुबान पर हमारा नाम है। पोस्ट तो देख ली होगी तुमने। तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है क्या? तुम्हारे लिए तो बस तुम ही ठीक हो ना, बाकी सारे बदतमीज, सब गलत, और भी पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, सारी की सारी गलती तुम्हारी थी। तुम्हें इस तरह से रास्ते तुम्हें में मालूम नहीं था क्या? मुझसे सही से बात करो, माफ कीजिएगा। माफ कीजिएगा। देखो, हमें हर कोई देख रहा है। ये सब तो हम दोनों को सोशल मीडिया में पहले ही देख चुके हैं, अब वो अलग बात है तुमने नहीं देखा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो जरा, एक मिनट देखो,
नहीं, ये क्या है? तुम्हारी वजह से? मेरी वजह से क्या? मैंने वीडियो बनाई है। हुआ तो तुम्हारी वजह से। ये लोग कितने बेवकूफ लोग हैं यार। हमारे दरमियान जो हो रहा था उससे उन्हें क्या? ये सब जहनी मरीज हैं, सच में। अब इन सब लोगों को सफाइयां देनी पड़ेंगी। Excuse me? हमने बनाई है वीडियो, जो सफाई देंगे जिसने बनाई है वो दे। मतलब किसी की जाती जिंदगी है ही नहीं। सही कह रही है। वैसे तुम भी अपनी जिंदगी सोशल मीडिया के मुताबिक गुजार रहे हो, इसलिए इन वीडियोस को अपने सर पे सवार कर लिया है। एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे, ये सारी बातें घूम कर मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं? तुम्हें मुझसे कोई मसला है क्या? हालांकि सारी गलती तुम्हारी थी और फिर भी इल्जाम तुमने मुझे ही दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ। अच्छा, और लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपने बाप की उम्र के आदमी को बुढ़ा कह रहे हो? ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? तकब्बुर है ये, तकब्बुर। मैंने कोई तकब्बुर नहीं किया, झूठ है ये। क्या मतलब झूठ है? क्या शोर हो रहा है? देखिए, इस तरह हम पढ़ नहीं पाएंगे। माफ कीजिएगा, अगर तुम्हारे सामने कोई इस तरह से गाड़ी खड़ी कर देता तो तुम भी यही कहती ना? नहीं, लेकिन मुझे बड़ों की तमीज करना सिखाया गया है। लेकिन तुमने जो किया है उसे ईमानदारी नहीं कहते, उसे आम जबान में बदला लेना कहते हैं। इधर देखो, अगर मुझसे बात करना अच्छा नहीं लग रहा तो आसपास तुम्हारी खुशामद करने वाले बहुत लोग हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें सुकून मिलेगा। ओके, ओके। ठीक है, चला गया वो, पढ़ो सुकून से। सलीम, मेरे भाई, ये लड़की क्या चीज है यार? एक तो इतनी खूबसूरत, ऊपर से अपने अल्फाजों से भी आग उगल रही है। क्या चीज है ये? बम बम बम, सच में बहुत प्यारी है यार। जाओ फिर उसी से जाके बात कर लो। बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है यार, लेकिन मैं एक दिन में दो चमाट खाने वाले को अकेला नहीं छोड़ सकता। यार सब एक एक करके परेशान क्यों कर रहे हैं मुझे? ओहो, अच्छा ठीक है यार, चिल हो जाओ। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ तुमसे। पूछो। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हें ढूंढना तो बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। मैं कॉरिडोर की तरफ गया, वहाँ मैंने लड़कियों से पूछा कि सलीम किस तरफ गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पर बता दिया कि तुम यहाँ पर मौजूद। बुरा, फालतू बातें मत करो, चलो अब चलते हैं। बाबा, अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाऊं। अरे वाह, आओ मेरी शहजादी। खुश आमदीद। छुट्टियों ने बहुत थका दिया, जर्द पड़ गए हैं, लेकिन और भी हैंडसम हो गए हैं अब तो। अपने बाबा को हंसाने का तरीका खूब आता है तुम्हें। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुमने क्या किया? तुम्हारे पेपर्स का क्या रहा? बस आखिरी मराहिल पे हैं सारी तैयारियाँ, सब पागलों की तरह लगे हुए हैं। जबरदस्त, तुम्हें पता है छुट्टियों में मेरे जहन में क्या आया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो क्या आप छुट्टियों में भी इस बारे में सोचते रहे? मैं क्या करता नीलू, पूरी छुट्टियों में फारिग घूमता रहता क्या? आराम का मतलब है कि काम वाले बटन को प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाए। मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें पता है, वैसे भी सलीम मेरे बदले काफी आवारागर्दी कर लेता है। खानदान में एक ही सुस्त इंसान होना चाहिए। बाबा, ये मौजू सलीम की तरफ फौरन कैसे चला गया, समझ नहीं आया। हमारी गैर मौजूदगी में घर आया था वो। अपने उस दोस्त के बारे में सोचो जिसको इस सालगिरह पे बुलाया है तुमने। मार्टिकिन का कह रहे हैं? हाँ, उसी के बारे में। गुर्बत में जिंदगी गुजारो, इम्तिहान पास करो, वजीफे पे पढ़ो, मास्टर वगैरह करो, बहुत कामयाब बनो, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में टॉप पोजीशन पर आओ। खानदान के लिए कितने फखर की बात है। उस बच्चे में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे सलीम में नहीं है? मैंने उसे अमरीका भी भेजा ताकि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। बदमाशी के अलावा कुछ नहीं कर पाया ये, पकड़ के मुश्किल से इस्तांबुल ले आया। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा क्या कसूर है। खुद को ब्लेम क्यों दे रहे हैं बाबा? वो ना तो अपनी माँ की मौत को कबूल कर पाया और ना ही असना से मेरा ताल्लुक हजम कर पाया है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और ओनर भी उस पर अच्छी खासी नजर रखता है। तुम और तुम्हारा पुर उम्मीद नुकता है नजर नहीं लो, अगर तुम्हारी दवाई छूट गई तो ये आदत तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। देखो ये भूलना मत। ठीक है बाबा जान। Thank you.
एक तो ये बाथरूम का नल खराब है, हाथ धोने अंदर क्या गई, हर तरफ पानी ही पानी लग गया। वॉशरूम का नल ढीला हो गया होगा, देख लेता हूँ मैं उसको बाद में। और चाय चाहिए क्या नहीं, बेटी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बाबा से बातें करूंगी बस। बाबा अब आपकी उम्र नहीं रही, ये पेंट वगैरह करने का काम अब आपको नहीं जेब देता, छोड़ दें। काम है ये मेरा, रोटी के पैसे कमाता हूँ इससे। मैंने आपसे कब कहा रोटी के पैसे ना कमाएं? अब आप अपनी उम्र के हिसाब से काम किया करें। क्या करूँगा मैं, नागहानी आफत जो आ गई है। खैर खत्म करते हैं इन कामों को। शौहर कैसा है तुम्हारा? ठीक है। शौहर कैसा है तुम्हारा? उस घर में उसका एक बेटा ही काफी था, लेकिन अब तो अपनी बेटी और उसके शौहर को भी घर लेके आ गए हैं। इसमें खफा होने वाली क्या बात है, अपने बाप के घर आ रही है, तुमसे पूछ के आएगी? वो कोई बच्चा नहीं है, पांच उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कोई काम तो इन लोगों से किया ही नहीं जाता। जरा सी बात हो जाए बाबा जान करती हुई आ जाती है। ये बताओ तुम्हें कितने साल हो गए उस आदमी से शादी किए हुए, अभी तक उसके बच्चों से मानूस नहीं हो पाई तुम? हद है बेटी, ऐसी बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ तुम्हारा भी अगर अपना बच्चा हो जाता तो तुम्हें ये सब बातें नहीं सुननी पड़ती। हाँ मगर क्या करें, किस्मत है। देखें बाजी, वो बच्चे नहीं चाहते ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। ये हर बार मेरे आने पे ये सब बातें क्यों होती हैं? सब कुछ जानते तो हैं आप लोग। ठीक है भाई, मुंह बंद कर लेते हैं। हेलो जान, आप बाहर हूँ जरा, दोस्तों से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी तो बस उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आई थी। सब आपको सलाम कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी बहुत 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 ठीक। हाँ 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 भाई। देख रही हो, जाओ अपना काम करो। हम क्या देख रहे हैं, इसका हिसाब तुम्हें देंगे क्या? पागल औरत, ये कचरा फेंकने की जगह है, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लगता मुझे। ए, अपनी हद में रह के बात करो तुम। कैसे बोलना है अब ये तुम लोगों से सीखना पड़ेगा मुझे। पागल लोग हैं। अम्मी कहाँ है आप, कॉल क्यों नहीं उठा रही? ठीक है, क्या हो गया? किधर है आप, घर पे हैं क्या? घर पे नहीं हूँ बेटी, कॉफी शॉप पे कॉफी पी रही हूँ। घर पे हूँ सारा, कहाँ होंगी मैं? हाँ तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी आप? साइलेंट पे था बेटी फोन मेरा। आप फोन साइलेंट पे क्यों रखती है? सारा तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो, क्या हो गया बेटा तुम्हें? सच बताएं अम्मी, आपने फिर पी है ना? कुछ नहीं पिया मैंने, बात नहीं करनी तो मैं फोन बंद कर देती हूँ। बाबा से मिलने आई हो ना घर पे? हाँ बहुत जल्दी में हूँ, बाबा से मिलने आई थी। हाँ, तुम्हारे बाबा बहुत थक जाते हैं, पता है पिछले साल क्या हुआ था? मैं क्या कर रही हूँ, मुझे मिलने दो।
मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। अम्मी ने आपकी इतनी बातें बताई हैं, मैं एक तस्वीर लेना चाहती थी आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तस्वीर नहीं। अरे क्या हो गया, एक तस्वीर की तो बात है। अरे दूर रहो, तुम क्या कर रही हो, इधर आओ। चलो चलो चलो, कितनी मगरूर है ये। एक तस्वीर खिंचवाने का ही तो कहा था इन्हें, उस पे भी इतने नखरे दिखा रही है। कितने चिपकू लोग, मैं मना किया है ना ये सब करने को। अल्लाह क्या मुसीबत है, कैसे अजीब गंदी जगह है, मेरी तो जान ही नहीं छूट रही यहाँ से। साल मेरे कपड़े खराब हो गए। कैसे हो बच्चों? ओनर थोड़ी देर हम बात कर सकते हैं? चलो बच्चों, बाद में से कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर। बाबा से बात हुई है मेरी। क्या हुआ? आओ इधर मेरे साथ। घर से निकलने से पहले बात हुई थी। यार सलीम को उन्होंने अपने सर पे सवार कर लिया है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम जानते हो कि जब बाबा की मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो तो उनका मूड चेंज हो जाता है। जान जरा आराम से। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। देखो बाबा चाहते हैं कि हम सलीम को सुधारें, खुसूसन तुम। मुझसे उनको इतने एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पुरुमीद समझते हैं। एहसन साहब और उनकी तवक्कात। यार ऐसे कैसे बेटे को कामयाब कराएंगे? खुद की बेटी को तो शरीफ समझते हैं लेकिन अपने ही बेटे से नफरत करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम भी आदत डाल लो तो अच्छा रहेगा। ओनर जान, हम अपने बाबा की तरह नहीं बनेंगे। हम अपने बच्चों का मवासना दूसरों के साथ कभी नहीं करेंगे। अपनी मर्जी बच्चों पर मुसल्लत नहीं करेंगे, ठीक है ना? इधर आओ, तुम एक शानदार माँ बनोगी। देखो बात सुनो, सलीम जब बालिग हो जाएगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसको इंसान कैसे बनना है। इस बात का यकीन है मुझे। इंशाल्लाह। कॉफी पर चलें? हम बिल्कुल चलते हैं। मैंने भी तेरी नाक न तोड़ी तो मेरा भी नाम नहीं। तूने हम पे पानी फेंका है ना, अब बताती हूँ मैं तुझे। रुक जा, अभी होकर बताती हूँ मैं तुझे ऊपर। अब दरवाजा बंद कर लिया तूने, खोल दरवाजा। दफा हो जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से तुम लोग। ये नहीं वो औरत, खोल दरवाजा। चुड़ैल, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे हम लोग, बता रही हूँ मैं तुझे। मदद कर, दरवाजा खोल। मदद कर, अरे तेरे छोड़ रही है। देखो ये लोग मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही है। देखो इसे, दरवाजा नहीं गिर रही है। मदद करो प्लीज। क्या हुआ? देखो पानी फेंका इसने हमारे ऊपर, क्या हाल कर दिया। तू मेरे घर पर आकर मुझे डरा धमका के मेरा दरवाजा तोड़ रही है। औरत झूठ बोल रही है, झूठी है ये। दरवाजा खोल अपना। मैंने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, मैं तो सो रही थी घर में। मदद करे कोई मेरी। अगर पानी पीते तो सामना क्यों नहीं करती हमारा, धूप तेरे मुंह पे। ये देखो गंदी औरतें। आ आ जरा सामने तो आ तू। सलीम। हाँ बोलो। यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है, सर्विस बुलाई है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते होगे? वैसे भी देर हो रही है, प्लीज छोड़ दो। सर्विस आएगी तो उसे कौन देखेगा? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पास रख दिया है चाबी, वो देख लेंगे। ठीक है बैठो। सलीम। हाँ बोलो। ये लड़की कौन है, क्या तुम जानते हो इसको? देखा है क्या तुमने इसे? नहीं, छोड़ो उसे, तुम बैठो। Thank you.
मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये नई गाड़ी, अच्छा वो खरीद ली। कभी ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे इस पे। चलेंगे कभी। अच्छा बात तो सुनो मेरी, याद है हम छुट्टियों पर गए थे? ब्रिजिक, तुम अपना हाथ हटाओगी? क्या मतलब तुम्हारा? तुम जानती तो हो मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ ठीक है, समझ आती है, अजनबी लोगों का छूना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं क्या अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? ब्रिजिक बात को मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मजीद वक्त जाया करना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी। मुझे क्या तुम यहाँ उतार सकते हो? यहाँ उतरना है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस एहसान के लिए। अल्लाह हाफिज़। हाय सारा, क्या हाल है? हम लाइब्रेरी में मिले थे जब तुम सलीम से बात कर रही थी, याद है तुम्हें? तुम्हारे ड्राइवर को देर हो गई है, मैं छोड़ दूं क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुम मेरी गाड़ी में बैठकर इंतजार कर लो। नहीं बैठना, मुझे वैसे भी कुछ फोन कॉल्स करनी है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जी अम्मी। अम्मी क्या हुआ? क्या अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां अच्छी रही, यहां तो सब कुछ वैसा ही है। थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा आराम कर लेते। मैदान ताकि खाली रहता, मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता क्या? क्या कह रहे हैं आप बाबा? एक हफ्ते के लिए क्या गए हम, आप तो घर ही नहीं आए। एक हफ्ते और नहीं आते आप तो मुल्क ही छोड़ देते। नहीं, मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम सब लोग दोस्त ग्रुप स्टडीज कर रहे थे। मुझे अंदाजा है क्या पढ़ा होगा। बाबा आपको सफर की थकावट होगी, मुझे और डांटने से पहले आपकी इजाजत चाहूंगा। रुको रुको रुको, मैं जानता हूं कि ये ऐसे खड़े खड़े करने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरी नजर तुम पे ही है, मालूम होना चाहिए तुम्हें। आपकी नजरें हमेशा से मुझ पर ही हैं बाबा। इसकी बेटी की वजह से छोड़ दिया हमने, ये तो सबक सिखाते हैं इसको। चिड़ैलों को मैं नहीं छोड़ने वाली। अम्मी मैं बात कर रही हूँ ना, बात को ज्यादा मत बढ़ाएं, पड़ोसी हैं हम लोग। हमें ना बताओ, ये अपनी माँ को बताओ बात। पूछो इससे कि इसने पानी क्यों फेंका हम पे। तुम अपनी हद में रहो, समझी? अपनी हद में रहो। बस बहुत हो गया, बस अब घर चलते हैं। लोगों को तो देखो जरा। अम्मी देखें बहुत देर हो गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। आपका शुक्रिया, आपने शिकायत नहीं की हमारी। ठीक है अम्मी से गलती हो गई, लेकिन आपने भी तो हमारी खिड़की पे टमाटर फेंके थे। देखो उठते बैठते तुम्हारी माँ को दुआ करनी चाहिए, वरना हम क्या करेंगे, हम जानते हैं। क्या कर लोगी तुम मेरा? बताओ मैं क्या कर लूंगी। आप जाइए प्लीज। चलो घर चलते हैं, पर टैक्सी तो मंगाओ तुम। क्या हो गया? इस वक्त हम पैदल जाएंगे, तुम कितनी कंजूस हो गई हो सारा। ठीक है मैं टैक्सी ले लेती हूँ, चले। आराम से बेटी, उस पागल औरत ने मुझे गिराया, मेरा पाँव पूरा मुड़ चुका है। हाँ
आपको खिड़की से पानी फेंकने की क्या जरूरत थी? अरे सारा, छोटी सी बात थी, तुम्हें तो शौक है बात को बढ़ाने का। अच्छा तो बात को मैं बढ़ावा दे रही हूँ? अब जेल जाने वाली थी, अंदाजा है आपको? तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, तुम्हें इन छोटे लोगों की बात पे यकीन है, अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं? बुरी बात। देखे अम्मी, आप उनको कमतर लोग मत बोले, आमना सामना होता है हमारा। वैसे भी वक्त आने पर आपके दोस्तों का भी हमें पता चल ही गया था, और इस इलाके में हमें पूछने वाला भी कोई नहीं। अम्मी, मैं नहीं बात कर रही तुमसे, जाओ। घर से अभी तक परफ्यूम की खुशबू आ रही है, बाजी की खुशबू इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। क्या किया तुमने मिस्टर जैम के साथ? जरूरत की चीजें ले आए हो क्या? जी हाँ बाबा, ले आया। अच्छा बाबा, ऐसी हालत में आप कब तक काम पे जाएंगे? देखो डॉक्टर ने कहा है इस हफ्ते उतर जाएगा प्लास्टर। हाँ, ये भी नहीं कहा कि तुम प्लास्टर उतरने के फौरन बाद काम शुरू कर दो। काम नहीं करूंगा तो खाए पियेंगे कहाँ से हम लोग? आप ही कुछ मदद कर सकती हैं बाबा, वो जानती हैं आप कितने बीमार हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा? आखिर आप ही इतने महंगे परफ्यूम यूज करती हैं, तो ये क्यों नहीं? बेटा, जो शख्स हमें अपने घर में देखना नहीं चाहता, उसके पैसे नहीं चाहिए हमें। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। आपके साथ वक्त गुजार कर हमें बहुत खुशी हुई, है ना ओनर? बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपने घर की बात ही और है। हाँ, लेकिन ये भी तो आप ही का घर है, तुम लोग भी इस घर के ही फर्द हो, और तुम लोग जब यहाँ रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, हम लोग भी। और हाँ, छुट्टियों पर भी आप काम करते रहे क्या? नीलू मुझे बता रही थी। हाय मत पूछो मेरे बच्चों, हर वक्त मीटिंग में बिजी रहते हैं, हर वक्त नोट्स लेते रहते हैं, गुस्सा आ रहा था मुझे, गुस्सा। इसका मतलब है बाबा को बेवकूफ बनाने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाने का सोच रही हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मार्ट टेकन बतौर मेहमान खुसूसी आएगा बाबा, वो ये बता रहा था। जी हाँ, मार्ट टेकन आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। दुरुस्त, मार्ट टेकन, ये कैसा नाम है, गुलुकार के जैसा। तुम किसी और का मजाक उड़ाने से पहले अपने आप को सुधारो बेटा, या फिर वो इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना कामयाब कैसे है, इस बात पे गौर करो, शायद इस तरह तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। दिल तो चाहता है कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी बने, लेकिन अफसोस हमारा बदमाश पार्टीज का मेहमान खुसूसी बनने को ज्यादा तरजीह देता है। ऐसा साहब, मुझे यकीन है कि सलीम एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेगा। मुझे भी। हाँ, मैं क्या कहूं ओनर, तुम्हारी सोच का मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। सलीम, सुकून से बैठ जाओ। आपको तो किसी पे तनकीद करना भी नहीं आता सलीम मियां। आप लोग खाना एंजॉय करें। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, बैठो, गुस्सा मत दिलाना मुझे। खाना खाएं बाबा। मेरी जान, अभी बात नहीं करना उससे, वो गुस्से में है। बाबा, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ कुछ ज्यादा ही हो रहा है? काम मुश्किल है ओनर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ तो कहाँ तक पहुंची आपके घर की मरम्मत? थोड़े रह गए।
हेलो, कैसे हो भाई? ठीक, तुम बताओ? मैं भी ठीक। क्लब जा रहा हूँ, आ रहे हो तुम? आराम भी कर लिया करो। अरे यार, फजूल बातें मत करो। चलो मैं वहाँ पहुँच कर लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। यार आज मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ मजे करो। यार सलीम, फालतू बातें मत करो, आ भी जाओ यार। हेलो, लगता है बाबा का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। बाबा ना देख लें तुम्हें जाते हुए? देखते हैं तो देख लें। गुस्से में तो तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह लगते हो, बिल्कुल उनकी तस्वीर हो तुम। सलीम मेरी जान, बाजू छोड़ो मेरा। मेरी बात सुनो तुम, मुझे तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, समझी? तुम भी सही जंगली बन गए हो, क्या हाथ लगाना कह रहे हो? रुको रुको रुको, आज देखो बाबा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप मेरे और बाबा के मामले में दखल अंदाजी मत करें, आपको किसी बात का नहीं पता। किस बात का नहीं पता? मैं तुम्हारी, मेरी बात सुनो तो, मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद करो। तुम्हारे सामने 16 साल का बेबस सलीम नहीं खड़ा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ना करूँ तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत बड़े हो गए हो तुम। कुछ दिन की मोहलत दे, मैं ये सारा मामला बिल्कुल ठीक कर दूंगी। प्लीज थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए हमें। ए, कहां लेकर जा रहे हो भाई? ये मेरा है। हमें ये लेकर जाना होगा। भाई मुझे जहां तक पता है ये मेरी पर्सनल चीज है, मैं इसे पढ़ता हूँ रोजाना, मेरे स्कूल का क्या होगा? कैस, आपको गलत मालूमात दी गई है मिस्टर, हमें ये लैपटॉप लेकर जाना जरूरी है। सर मैं बता रहा हूँ ये मेरे पढ़ने की चीज है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? मैं इसे नहीं दूंगा। रुको, छोड़ दें आप, इधर आइए। आप लोग इसे नहीं लेकर जा सकते, मैं कह रहा हूँ नहीं लेकर जा सकते। बेटा आराम से जरा, सब कुछ वापस आ जाएगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। सब कुछ कैसे वापस आ जाएगा अम्मी? आप देख नहीं रही अम्मी, हमारा सारा सामान लेकर जाया जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, और आप कह रही हैं सब ठीक हो जाएगा। कैसे? तुम्हारे बाबा आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। अम्मी बाबा नहीं आएंगे, अपने आप को धोखा मत दे, बाबा हमें छोड़ के भाग गए हैं।
क्या कहा था, बेड पर काम नहीं करना। ठीक है, छोड़ दिया। ना काम ना ही कुछ और चीजें शेयर करना पसंद है, अभी तक समझे नहीं तुम मुझे। सलीम क्या कहता है, बात हुई तुमसे? हाँ, मैं उससे जितना भी करीब होना चाहती हूँ वो और दूर चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि वो मुझसे अपनी बातें शेयर करे, मुझ पे भरोसा करे, मुझसे प्यार करे वो, लेकिन हम दो अजनबियों की तरह इस घर में रह रहे हैं। वो मुझे अपनी माँ की मौत का कसूरवार समझता है, यकीन करोगी तुम, मुझे भी अपने आप से दूर रखता है। सलीम ऐसा ही है, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, चलो अब चलते हैं। कहाँ चले? तुम नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकती? बच्चा पैदा करना आसान नहीं है ना, बहुत तकलीफें होती हैं। मेरी समझ में ना आने वाले काम हैं ये। अभी समझाता हूँ। Sana nasihat dalı, yanın bahçe değil kaset kar. Bu ruhlar odalığında, kumbaranı kaçır, kurt kafanı balım. Ustalara atamaz, ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes palır. Zonu, sen yanında seni yeni tanı. Çort lan geç ya da. Ya, kırdın. En modern çağımızı oksit sarmış, doğa toksin atmış. Düğüm yine boğazım sos. क्या बात है? टेक केयर बेटा। मोबाइल साइलेंट पे था, बोलो क्या हुआ? इधर बहुत मजा आ रहा है यार, मेरी बात मानो तो आ जाओ जल्दी से।
Acha, ठीक है, आ रहा zararlı artık. Üstümüzde pay edilir altında kaldık. Yani kantarla tartılmaz ona. Yine üstümde pas. आ रही हूँ. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाथ में क्या है? चलो, देर हो रही है. लेकिन आज तो मेरी शिफ्ट ही नहीं है. हाँ, मुझे पता है आज शिफ्ट नहीं है. अहमद भाई अपने काम से जा रहे हैं. पहले वो तुम्हें कॉलेज छोड़ेंगे, फिर अपने काम पे जाएंगे. चलो चलो. मजाक हो रहा है क्या? 6 महीने से बस में जाने वाली लड़की 3 दिन से गाड़ियों में जा रही है. एस्ट्रोलॉजी है ये. देखो, मेरी बात सुनो. किस्मत जो होती है वो कभी भी किसी की भी बदल सकती है, मालूम है तुम्हें? मतलब ठीक है पिनार, मुझे सुबह सुबह इतनी बातें सुनने की आदत नहीं. मैं आ रही हूँ. ठीक है, जल्दी आओ, अहमद भाई इंतजार कर रहे हैं. चलो. गुड मॉर्निंग, मैं जा रहा हूँ. सलीम, सलीम, 2 मिनट के लिए रुको. इधर आओ, यहाँ आकर बैठो. ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. फिक्र ना करो, देर नहीं होगी. गर्दन पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट है. सलीम, देखो, ज्यादा बातें नहीं करते. तुम जवान हो गए हो, अपना रास्ता खुद बनाओगे. मगर सही कहा, बदल जाने का कहकर तुम और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार और मगरूर हो गए हो. कल शाम ऐसे टेबल से उठकर क्यों चले गए थे तुम? और जब हम नहीं थे तो तुम घर ही नहीं आए. बाबा, रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे नहीं आए. बाबा, मुझे तनकीद का निशाना बनाना आपकी आदत है. मेरे साथ तमीज से बात करो तुम. कुछ साल बाद तुम्हें अपनी जगह पर देखना चाहता हूँ मैं. लेकिन क्या फायदा, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम पे बार बार तनकीद करना. लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही हैं. तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हो. आखिर जो सब लोगों ने देखा वो झूठ था क्या? हाँ हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि अब तक आपने हंसे वाली बात क्यों नहीं कही. अपनी जबान को लगाम दो. मैं तुम्हारा बाप हूँ. मैं दूसरों के बच्चों को कामयाब होता देख रहा हूँ. मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा बेटा भी कामयाब हो. लेकिन तुम्हारे दिमाग की सुस्ती. बात को बढ़ाए मत. क्लासेस अच्छी नहीं जा रही, लेकिन कोशिश कर रहा हूं. कोशिश नहीं करो बेटा, कोशिश नहीं चलेगी. सब जानते हैं कि तुम मेरे बेटे हो. सबसे ऊपर आके दिखाओ, सबसे ऊपर. गुड मॉर्निंग. मैं जा रहा हूं. चलो चलो. ठीक है ठीक है. चलो चलो, जल्दी उतरो. यार जल्दी उतरो सारा. ठीक है यार. गुड मॉर्निंग अहमद भाई. गुड मॉर्निंग बेटा. पीछे बैठो, पीछे. सीट बेल्ट अभी भी सही नहीं हुई है. क्या अहमद भाई, अभी तक आपने सीट बेल्ट ठीक नहीं करवाया? चलो बेटी, पीछे बैठ जाओ, इसमें क्या है. बैठ गई फिर से पीछे. क्या बोल रही हो बेटी? अहमद भाई, आपको पता है इसे कॉलेज में सब अमीर समझ रहे हैं. क्या कह रही हो ना? तुम्हारी बात कर रही हूँ. कॉलेज में सब तुम्हें अमीर समझ रहे हैं वो बता रही हूँ. सब बेकार बात है अहमद भाई. वैसे भी कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा, और कोई पूछेगा तो बता दूंगी. देखो, मैं फिर एक बार तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो बिल्कुल नहीं बताती. कितना मजा आता अगर ये मेरे साथ होता. नहीं, अमीर समझ भी लें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा. मैं समझाती हूँ तुम्हें. उन्हें लगेगा कि तुम भी उनके लेवल की बंदी हो. तो यार देखो, अगर वो तुम्हें अमीर ना समझता तो जो तुमने किया उसकी वजह से वो कल तुम्हें बाहर नहीं फेंकवा देता. बताओ जरा मुझे तुम. यार अहमद भाई, इस लड़की का दिमाग काम क्यों नहीं करता? क्यों अहमद भाई, आसान था क्या उसे स्कूल से बाहर फेंकना? आसान था अहमद भाई. देखें, लड़का स्कूल के मालिक का बेटा है. उस लड़के का बाप स्कूल का मालिक है. ठीक है, एक मिनट, मुझे तुम लोगों की बातें समझ में नहीं आ रही, मुझे दोबारा से समझाओ. ठीक है अहमद भाई, मैं आपको सारी बात तफसील से समझाती हूँ. हाँ.
मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक, तुम? ठीक। अरे देखो, जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वो सामने ही आ गया। चलो आज के बाद नहीं करेंगे फिर। अहमद भाई इधर रुके रुके रुके। नहीं नहीं अहमद भाई, क्या कर रही हो तुम? इसकी बातों में मत आए, मुझे आप पार्किंग में ही उतार दे। हिना यार, तुम भी ना, इन लोगों से रोज मेरा सामना होता है। अरे जाहिर है तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो तो रोज देखती होगी ना। सारा मैडम आइए प्लीज। अहमद भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ये जरूरी है मैडम। मिस सारा, वीकेंड पे आपके लिए पार्टी अरेंज की है मैंने। यार हिना फालतू मत बोलो। कैसी हो सारा? कल ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? सॉरी, किस चीज का इंतजार? तुम कल वो अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी ना? आगा भाई, मेरे ड्राइवर नहीं है। ये बहुत कूल है यार। नहीं, अकड़ है, बल्कि बदमिजाज का हो तो बेहतर है। यार सलीम, यकीन कर, ये लड़की आग लगा रही है मेरे दिल में। अभी उसे खुद भी अंदाजा नहीं कि ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। इसलिए मोहतरम सलीम, आपको पहले ही खबरदार कर रहा हूँ, इससे दूर ही रहना तुम। मदर भाई की कॉल आ रही है, चलो। यस। आपने बुलाया ऑनर भाई? हाँ, आ गए सलीम, आओ बैठो। घर पे सही तरह मुलाकात नहीं हो सकी, मैंने सोचा यहीं पे मिल लूं। क्या कर रहे हो आजकल? क्लासेस कैसी जा रही हैं? समझ गया, बाबा ने आपको जरूर किसी मकसद के लिए भेजा। हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। तुम्हारे बाबा चाहते हैं कि मैं तुम पर नजर रखूं। अगर वो ना भी कहते तो मैं तुमसे जरूर बात करता। ठीक है। नीचे वाली क्लासेस तो तुमने ली हैं, लेकिन मिड टर्म पर भी नजर डाली है तुमने? पहले तो नीचे वाली क्लासेस को पास करना तुम्हें जरूरी होगा। ऑनर भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी सारी क्लासेस एक साथ पास करना मुश्किल है। खैर, मेरा कहने का मतलब ये था कि हम अपना काम फर्स्ट ईयर की क्लासेस से शुरू करते हैं। पसंद नहीं मुझे। ठीक है, मुझे पता है इतना आसान काम नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने इसके लिए भी एक रास्ता निकाला है। अगर फिर भी पास नहीं हुए तो उसके बाद मुझसे शिकायत मत करना। ठीक है, लेकिन क्या रास्ता है वो? एक वादा करो, कोई साइड लाइन नहीं। ठीक है, वादा करता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें टॉपर के साथ कंबाइन स्टडी करना होगी। भाई ये तो सरासर नाइंसाफी है। देखते हैं, उसने भी आना है अभी। हाँ आ गई, कम इन। खुशामदीद सारा, आओ बैठो। तो मैं तुम्हारा तारुफ करा दूं, ये हमारी टॉपर सारा, सारा सलीम। जी, हमारा तारुफ हो चुका है। वाकई में? कैसे? तो मैंने आप दोनों के लिए सोचा है कि आप दोनों कंबाइन स्टडी करेंगे, राइट? यार क्या हाइट है इसकी, बास्केटबॉल की खिलाड़ी लग रही है लड़की। अरे तुम अभी यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए मेरे क्या पास क्या देख रहे हो इतना छुप छुप के? कहीं तुम छुप छुप कर लड़कियां तो नहीं पटा रहे? हाँ नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यार तुम भी ना एक दिन किसी बिगड़ी हुई लड़की के हाथ लग जाओगे और फिर तुम्हारी लाश मिलेगी हमें सर्द खाने से। अरे यार ब्रिजिक, बात को मत बढ़ाओ, मुझे मजा आता है ऐसी बातें सुन के। अगर तुम एंजॉय ही करना चाहते हो तो हमारे साथ एंजॉय करो। अच्छा, हम पार्टी करते हैं। अच्छा, कह रही हूँ कि सिर्फ हम लोग एक अच्छी सी जगह। क्या मतलब? तुम जरा सही से समझाओ, मैं समझा नहीं। तुम? हाँ सलीम। हाँ मैं और आदा, उसे मत भूलो तुम। यार बिस्मा देखो, मुझे उस लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन
ना नहीं कर सकता जाहिर है। बुराक, तुम्हें क्या लगता है कब से उस लड़की पर तुम नजरें गड़ाए बैठे हो? मुझे नहीं पता चलेगा क्या? हाँ मेरी बात को समझो जरा, असल में मेरा दिल नहीं लग रहा उसके साथ। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। ठीक है बात को मत बढ़ाओ, हम पार्टी कर रहे हैं, तुम सलीम को ले आओगे और मैं अदा को, ठीक है? नाइस, ठीक है, अच्छा लगा तुम्हारा आइडिया मुझे। मतलब डन है ना फिर? समझ गया, मेरी तरफ से तो डन है, लेकिन सलीम से मुझे पहले बात करनी होगी, तुम्हें उसका पता तो है ना, मगर मैं तुम्हारे लिए जो हो सका वो करूंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, चलो अब दिखाओ जरा क्या देख रहे थे तुम। देखो तो जरा मुझे किस लड़की के साथ पढ़ने को बोला। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं उनसे, कुछ बोला क्यों नहीं? हाँ क्या मतलब कुछ नहीं बोला? देखा नहीं, ऑनर सर ने खुद डिसाइड कर लिया था कि हम एक साथ पढ़ेंगे और बैग भी अपने पास रख लिया, तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? सर से कह दी थी कि हम एक साथ नहीं पढ़ सकते। ओ अच्छा, ऑनर सर मुझसे कुछ कहें और मैं कहूं कि मैं नहीं करना चाहती? इतने बदतमीज तो सिर्फ तुम ही हो सकते हो, मैं नहीं हो सकती। देखो हम अब कुछ नहीं कर सकते, और हाँ ये तुम्हारे नखरे कब खत्म होंगे? हाँ कौन से नखरे? यही हर वक्त अफरा तफरी वाले, जब देखो तुम्हें तुम अफरा तफरी कर रही होती हो, अजीब आदतें हैं तुम्हारी। मुझे लगता है कि हमारा आमना सामना हो चुका है, मुझे याद नहीं है। हो सकता है आमना सामना हुआ हो, या हम इसे कोई गलती भी कह सकते हैं। सही कहा, ऐसा होता रहता है अक्सर। मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कभी आई ही नहीं हूँ, इसलिए भूल जाओ इसे। असल में मेरी नजरें तुम्हें कहीं से पहचानती हैं। अच्छा मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे याद आ जाएगा। हाँ पिछली गर्मियां बॉर्डरूम, मैं सही कह रहा हूँ ना? किस बॉर्डरूम का कह रहे हो? ओ तुम्हें तो हंसना भी आता है, तुम्हारे तो दांत भी हैं। ठीक है इतना हंसना काफी है। क्या हंसने का कोई खास टाइम है क्या? समझी नहीं। झुरियां ना पड़ जाए इसलिए एहतियात करती हूँ। देखो मुझे भी क्लास में जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ, बैठ के प्लान बनाते हैं कि कहाँ से शुरू करना है। ठीक है ठीक है, लेकिन एक दूसरे को बताएंगे कैसे? हवा के जरिए से? हाँ सही कहा, मैं नंबर लिख दूँ? ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं। जरूर। बुराक साहब क्या हाल है? मैं तो ठीक हूं। अच्छा सुनो, मैं कह रहा था कि शाम में तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है? नहीं। हाँ ठीक है, क्योंकि शाम में हमारी एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? ये जो भी क्लास हुई है इसके नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों के पास? मतलब तुम बिल्कुल ठीक बंदे के पास आई हो, अगर तुम्हें मिल जाए तो हमें भी दे देना। उफ तुम्हारी कैप कितनी खूबसूरत है, मुझे भी चाहिए ऐसी। कुछ पता है कहाँ से मिल सकती है? मैंने तो नेट पर ढूंढी पर मुझे नहीं मिली। अगर तुम्हें ये कैप इतनी ही पसंद है और ये तुम्हें इंटरनेट पर भी नहीं मिल रही, तो ये लो, ये तुम्हारी हुई, ये लो रखो। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। चलो जिंदगी रही तो तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर। क्या लड़की है यार, दिमाग खराब हो गया है? मेरा कैप उसको क्यों दिया? अरे मेरे भाई ऐसे कैप तो तुम्हें रोज मिल जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, तुमने देखा नहीं कितना प्यार करती है वो तुमसे। फालतू बातें मत करो बुराक, और वैसे भी क्या हर प्यार करने वाले को चीजें देते रहेंगे? सलीम ये जो टी शर्ट पहनी है कहाँ से ली है? सलीम ठीक है, समझ गए ना? जितना मुश्किल लग रहा था इतना मुश्किल है नहीं वैसे। देखो मैं टेस्ट लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि समझे हो या नहीं। मतलब तुम्हें लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आया?
ऐसा ही समझो। मतलब तुम भी जल्दी लोगों पर एतमाद नहीं करती। ये बात कहाँ से आ गई? देखो ना, मुझ पर तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। फजूल बातें मत करो। फजूल बात नहीं कर रहा, तुमने बहुत धोखे खाए हैं और अपने प्यारों की तरफ से तुम्हें मायूसी मिली है, है ना? हाँ, बस इसी का दर्श देना रह गया था मुझे। मैं इधर ही हूँ। पता है। हाँ, और क्या पूछना है? पूछ लो अभी। नहीं, और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से पढ़ते नहीं, और सर ऑनर को ये बोल देंगे कि हमने पढ़ लिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। तुम बोलती होगी, यकीन है मुझे। कहा ना, नहीं बोलती। सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप दोनों को परेशान नहीं किया मैंने। गुड यार भाई, क्लास खत्म होते ही तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, फिक्र हो रही थी, परेशान हो गया था। मैं तो इधर हूँ। दिख रहा है। सारा के साथ क्यों? मतलब आप दोनों एक साथ, समझ नहीं आ रहे। ना समझने वाली कोई बात नहीं है, हम पढ़ रहे हैं। सर ऑनर का हुक्म है। हाँ, सर ऑनर ने तुम्हें काम पे लगा दिया ना, यही कहना चाहते हो ना? बहुत खूब यार। मेरे भाई तुम तो बड़े छुपे रुस्तम आदमी हो, अभी एक घंटे पहले साथ है। खैर उसे जाने दो। हाँ तो तुम्हें एक बात बतानी थी, आज शाम पार्टी में तुम भी आ रहे हो। सारा, अगर आपको कोई काम ना हो तो आप भी आ सकती हैं? नहीं शुक्रिया, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, क्या करना है अब? बात सुनो मेरी, तुम्हें क्या लगता है, ये लड़की तुम्हारी भाभी बन जाएगी? चलो हम कोई और टॉपिक्स भी देख लेते हैं, फिर मुझे निकलना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। शुक्रिया। अरे नहीं यार, क्या हो गया? क्या हुआ है, दिखाओ। इधर तो जरा, पढ़ रहे हैं क्या? ये नोट्स वगैरह रखे हैं, बस इसी की कमी थी। हाँ ना, लग तो यही रहा है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन सलीम और पढ़ाई, और वो भी कैफे में। क्या बोलूँ, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा। बिल्कुल भी सलीम की तर्ज की लड़की नहीं है ये। हाँ सही बात है, ज़रूर साथ बैठने की कोई ना कोई वजह रही होगी, वरना सलीम ऐसे नहीं करता। जहाँ तक मैं सलीम को जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकता है। हाय, ज़्यादा हवा में मत उड़ो तुम। अरे क्या कहा है उसने, जब देखो तुम गुस्सा करती रहती हो। मतलब जब भी सलीम की बात होती है, पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मैं जरा हाथ मुंह धो के आती हूँ, कुछ सुकून मिले मुझे। अब क्या कह दिया है मैंने, हर कोई हसासियत का शिकार है यहाँ पर। देखो इन पर भी एक बार नजर डालो, वरना भूल जाओगे। ठीक है। सामने बैठ जाओगी? नहीं, इधर ही हूँ मैं। शायद हम पहले भी मिल चुके हैं, ये अजीब बात नहीं है? क्यों, दुनिया बहुत छोटी है क्या? नहीं, छोटा होने की वजह से नहीं, मतलब पता नहीं, शायद हम किसी और जगह मिले हो। मैं ज़्यादा घूमती फिरती नहीं हूँ। मतलब हमेशा घर पर रहती हो क्या? हर किसी की चॉइसेस डिफरेंट होती है। माफ़ करना मैं समझा नहीं, क्या चॉइसेस डिफरेंट होती हैं? मेरा मतलब है, तुम पार्टीज वगैरह करते हो, तुमने तो सारी दुनिया घूमी हुई होगी ना, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। पता नहीं क्या ज़्यादा मशहूर है, ये भी नहीं कह सकती कि मैं पार्टीज की जान हूँ। शायद यही वजह है कि कभी हमारा सामना नहीं हुआ। ओहो, देर हो गई, मुझे अब चलना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है। सारा, शुक्रिया।
बिलनास खाला प्लीज आ जाएं, आपकी बहुत जरूरत पड़ रही है। सारा? हाँ आयशा खाला, मैं गुलनास खाला को देखने आई थी। लेकिन बेटा वो तो अपने गांव गई हुई हैं। जी जानती हूँ, फिर भी मैंने सोचा कि पता कर लूँ। अभी तक वापस नहीं आई। तुम्हारी माँ उसके ना होने से काफी अकेली पड़ गई है। वो थी तो कुछ दिल बहल जाता था उसका। अकेली पड़ गई का क्या मतलब, मैं हूँ ना उनके साथ। बेटी तुम तो सारा दिन अपने काम पर होती हो ना, वो तो बेचारी अकेली होती है। कल भी किसी से लड़ पड़ी थी वो। अम्मी बिल्कुल ठीक है आयशा खाला, कोई बड़ी बात नहीं हुई, हल्का फुल्का झगड़ा था बस। चले अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटी। हाँ और अपनी अम्मी से कहना किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह दिया करें। ज़रूरत नहीं, हर कोई जगह पे मुझे लगता है।
हाय हाय हाय, लगता है सुबह सुबह इस नन्हे चिड़िया का शिकार होगा। बचाओ बचाओ कोई। आवाज नहीं आवाज नहीं, आवाज निकाली तो गला काटूंगा। अब समझी तू? नहीं चीखूंगी भाई, ये तो अच्छी लड़की लग रही है, ये हमारी बातें सब मान रही है। ए, अपना फोन और बैग इधर दे दे। चुप 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 चुप, आवाज नहीं निकले। चल निकाल चल। प्लीज मुझे फोन और पैसों की बहुत जरूरत है। दस से ज्यादा हमें जरूरत है, समझी? भाई इसके चेहरे पे कट मार, तब जाके समझेगी। तेरा चेहरा बिगाड़ देंगे तब समझेगी। बैग दे, इधर दे। अगर मैंने बैग दे दिया तो मुझे छोड़ देंगे। बच्ची तू बैग हमें दे दे, पर तुझे छोड़ देंगे। इधर तो देखो जरा। छोड़ो इसे, मैंने अपना बैग दे दिया लेकिन ये नहीं दूंगी। छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे। बहुत चिल्लाती है। ये लो। आप कौन है? मैं अपने काम से जा रहा था, तुम्हें देखा तो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं यहाँ पर आ गया। आपका बहुत शुक्रिया, आप बिल्कुल वक्त पर पहुंचे। कोई बात नहीं बेटी, अपना ख्याल रखा करो, ऐसे अकेले मत घूमा करो। तुम ठीक तो है ना बेटी? हाँ ठीक हूँ ठीक हूँ। अब इनका क्या होगा? इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ अपने घर जाओ। जाओ जाओ बेटी। हेलो, इस वक्त कॉल कर रहा हूं लेकिन अगर आप बिजी नहीं है तो आपको एक खबर देना चाहता हूं। हाँ सारा कुछ देर पहले काम पर जाते हुए। हाँ हाँ इसी वक्त जाती है काम। गुड मॉर्निंग सारा। अरे सारा तुम रो क्यों रही हो? इधर देखो क्या हुआ है तुम्हें सारा? पिनार तुम्हें पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो गया। मेरी जान ठीक है रोना बंद करो।
आजो सुकून से बैठ के बात करते हैं, रोना बंद करो, आ जाओ चलो। सारा शुक्रिया। कौन है? हाउसकीपिंग। Düşman başına, ersin alem dizine.